के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम उसको लगवाएं पिताजी। जी आपने अच्छा याद करवाया है। अगर आप ऐसा चाहते हैं और भी विदेशों के लोग जो अपने अपने एरिया में उसे चलवाना चाहते हैं, सुन रहे होंगे लाइव सऊदी अरब है या कहीं भी, तो आप अगर डबिंग करवाना चाहते हैं उस तरह की कि वो डबिंग हो जाए, तो आप यहाँ पे अपने, शायद अभी आए नहीं होंगे सीपी रोडा, उनकी ड्यूटी स्पेशली इसी काम के लिए लगाई है, पांडे जी होंगे शायद, वो भी थोड़े ढीले हैं, तो आप मिल लें इन लोगों को और फिर आप उस बारे में सोच लें। हमारी तरफ से आ गया है, आप उसे डबिंग करवा सकते हैं, कर सकते हैं, यहीं भी किया जा सकता है, तो एक बार आप उनको मिले जरूर। और अगर आप हिम्मत करेंगे तभी है कि आप जाके वाकई उनको वहां चलवाएं, और आप सारी साथ संगत है इसके लिए पूरे विदेशों में चाहते हैं, तो अरेबिया में भी हम उसकी डबिंग क्या सोच सकते हैं, और ये तो है ही जरूर इसके बारे में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी के, आप जी के बेटे रजत इंसा, मोहित इंसा और रजेश इंसा, पिताजी हमारे एरिया में अवतार माँ की जो नाम चर्चा होती है उसमें मोहित जी ने आपको ट्विटर पर लिखा था कि पिताजी आपने जरूर नाम चर्चा में आना है, तो पिताजी कुछ समय बाद आपका ट्वीट आया कि सत्संग जी हम हमेशा आपके साथ रहते हैं, आप बस थोड़ा सेवा सिमरन करें, तो पिताजी उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और पिताजी ग्रुप पर दया में रम बनाए रखना पिताजी। जी आशीर्वाद बेटा, सुमन करती रहिए, मालिक साथ है बेटा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी मैं दलेल सिंह इंसा रामनगर फरुखाबाद यूपी से, सिक्योरिटी सेवादार, पंचायत सदस्य, ग्रीनर्स मेंबर। सर ये मैं 5 मार्च दिन मंगलवार 10:45 पर हमारे भाई शिवराज सिंह का पोता 45 फीट गहरे कुएं में गिर गया था जो कि 18 साल से बंद था। मालिक ने ऐसी उस दिन ही नाम चर्चा थी, बिलाग की नाम चर्चा में मेरी सारी जिम्मेदारी थी क्योंकि मैं 8 गांव का बंगीदास था। सारी जिम्मेदारी के निर्वाह करने हेतु मैं स्टेज का सामान लगवा रहा था, तभी राजू टेंट वाला बोला भाई तू यहाँ सामान लगवा रहा है, देख तेरी चौपाल भी क्या है। मैं भाग के गया तो बच्चा कुएं में गिरा था, अब उसमें कोई घुसने को हिम्मत नहीं करे क्योंकि उसमें गैस भरी हुई थी। मैंने जोर से नारा लगाया और थोड़ी सी मिट्टी हटा करके वहां से जितने में मेरी बॉडी अंदर चली जाए रस्सी के द्वारा अंदर गया और बच्चे को सीने से बांध करके बाहर 45 फुट चढ़ करके, पिताजी मैं ऊपर चढ़ के 4 बार मैंने ब्रेक लेकर के ऊपर चढ़ के आया, जैसे ही परिवार वालों ने मेरे ये हाथों में हाथ डाले वैसे ही आपका नजारा बंद हो गया। उस बच्चे ने आपको एक बाबा जी के रूप में कमंडल हाथ में लिए हुए देखा, उसने सारे आज भी 2.5 साल का बच्चा कुशल जो हो गया है उसने सभी को बताया। फिर बिलाग की नाम चर्चा हुई, मैं 1.25 घंटा बेहोश हो गया, सभी को ये मालूम पड़ा इनकी तो जान गई, लेकिन 5 मिनट के बाद उस बच्चे को कहीं खरोंच तक नहीं आए, सीने तक वो बॉडी तक धसा हुआ था। जी बिल्कुल बेटा, आपने बहुत हिम्मत की, शाबाश, मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, और जाको राखी साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके, चाहे सब जग बैरी हो, तो ये सही बात है। तो आप बहनों की तरफ बात करवाइए, और प्यारी सत्संग जियों, बचनों पे दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ यकीन रखना चाहिए, मालिक का रहमो करम जरूर बरसता है। बहनों लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, बीमारों ने खड़े नहीं होना, आशीर्वाद सबको दे दिया गया है, वो भी खड़े नहीं होना, जो जो चीजें आपको बोली हैं उसके लिए किसी ने खड़े नहीं होना, और पीछे माइक वाले के भागना नहीं, अगर माइक वाले के आप पीछे भागते हैं तो वो आपकी बात नहीं करवाएंगे, और ये ख्याल रखा करो, तो माइक के पीछे जो भागता है उनकी बात मत करवाया करो। जी तो करवाएं जल्दी से बात, वैसे ही एक इस साइड में हो जाएं, एक बीच में और एक बिल्कुल पीछे, अलग अलग हो जाएं, ये पूरा ध्यान दें। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी एक पोता गोद ले रखा पिताजी, दसवीं मत उठ लिया पिताजी, ये बताओ उसने क्या काम करवाऊं पिताजी, आप जो कहोगे वो काम करवाऊंगी पिताजी, बिजली का जो काम, वो काम कर सके बेटा, जिस काम का अच्छे काम का तजर्बा हो वही करवाइए, आशीर्वाद बेटा। कराओ भी बात। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही। बोलो बेटा, नारा एक बार काफी होता है, आप बात करें। पिताजी मैं, पिताजी मेरी भाई बाएं टांग में रसोलियां थी पिताजी 3, एक छोटी दूसरी उससे बड़ी तीसरी उससे बड़ी जी। पिताजी मैं ना किसी को दिखाने नहीं जाती थी डॉक्टर को,
मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो वो ऑपरेशन ही बताएंगे, तो मैं डर के मारे बस मेरे दिन रात ऐसी चिंता में भाई बहुत बहुत बुरा हाल हुआ पिताजी। वहां पे ना एक वैद आता था हडोली गांव में, हडोली में एक वैद के पास मेरे को धक्के से लेके गए, कहते एक बार हम दिखा के आते हैं वहां पे, जैसे वो बताएंगे फिर वैसे कर लेंगे। अपने वैद को जैसे दिखाया, वैद ने बताया एक तो नर होती है रसोली, एक मादा होती है। जो भी अगर नर है तो ये हो सकता है भी कहीं ज्यादा मतलब भी ना हो, और जो मादा होती है तो वो उसकी जड़ें भी ज्यादा फैल सकती हैं, ऊपर भी फैल सकती है और नीचे भी फैल सकती है। तो पिताजी मैं वहां से घर आई तो मैं आके अपने घर वालों से लड़ने लगी। मैंने कहा मेरी मम्मी की भी डेथ ऐसे हो गई थी, वो भी डॉक्टर को दिखाने गई थी तो हार्ट फेल हो गया था जी, तो अब मेरे को टेंशन और भी बढ़ा दी। पिताजी मैंने आप जी से अरदास की, पिताजी मेरी रसोई ऐसे ही ठीक कर देना। पिताजी रात को सोई, दूसरे दिन सत्संग था, मैं सत्संग पे आई पिताजी, तीसरे दिन जाके किसी बहन को मैं बता ही रही थी तो ऐसे उसका हाथ पकड़ के मैंने अपनी टांग पे लगाया तो पिताजी वो रसोलियां सारी गायब थी। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। दृढ़ यकीन हो सुमन इंसान करे वचनों पे उमाने, तो मालिक रहमत करते हैं बेटा वो कर्ण करावन हार। पापा जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, आप जी दी बेटी रुबीना इंसा, पापा जी कैसे हो जी? बेबराज की रहमत है बेटा, आप सुना? अच्छे पापा जी, आप जी की रहमत। पापा जी छोटा जा करिश्मा सुनाना है थोड़े पापा जी। बेटा हाँ जी, पिते ब्रदर दा ना एक्सीडेंट हो गया सीगा, ट्रैक्टर उपरों टप गया सीगा, ब्रदर ना टायरां दे विचकार हो गया सीगा, पिंड भी सब नु एवें सी कि डेथ हो गई, पर पापा जी दी आप जी दी एनी रहमत की ब्रदर नु कुछ भी नहीं होया, खरोच भी नहीं आई जी। पापा जी धन धन सतगुरु बेटा, अच्छे कर्म करे पिता जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। पिता जी आप दी बेटी मंजू इंसा एक्स स्टूडेंट, पिते मैं 2 साल पहला दात प्रोग्राम चाहिए सी, पिते ही उत्ते हाथ खड़ा किते सी, पिते 8 साल बाद आप जी दी दया मेरे नाल पिते मैं बेटे दी दात प्राप्त हुई है। पिते ही आशीर्वाद दो कि अच्छा नेक इंसान बने जी। पूरा आशीर्वाद बेटा, मालिक रहमत करे आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं मनप्रीत फ्रॉम बठिंडा जी। पिताजी बोलने की ताकत दे। बोलो बेटा। पिता जी 2 साल पहला जो थोड़े नाल अपॉइंटमेंट ते मिले जांदा सी उदों असीं मिले सीगे जी 13 वास दे विच, ते तुसीं उदों कहा सीगा बेटे जे कोई बीमार है तां खड़े हो जाओ, ते पिता जी मेरी बेटी ना काफी बीमार सी, उहनूं खंघ छड़ी जांदी सीगी जी, ते डॉक्टर ने उहनूं पंप लगाउणा शुरू करता सीगा जी, कहिंदे पंप दे रिहा करो 2 टाइम, ते पिता जी मेरी बेटी खड़ी हो गई सी, तुसीं उहनूं बचन कीते सी बेटा प्रसाद लै लियो ते 1/2 घंटा सिमरन करियो जी, ते पिता जी असीं प्रसाद लेना भुल गए सीगे जी उदों, ते पर तुसीं 13 वास दे विच ना प्रसाद दित्ता सी थैलियां जी, और मतलब काजू वाले बिस्किट सीगे जी, ते एक पैकेट एक्स्ट्रा आ गया सी जी साडे कोले, ते मैं हसबैंड नूं कहा कि आपां प्रसाद वापिस कर दिंदे आ। पिता जी दे वचन है कि है ना डेयरी दी कोई भी चीज बिना आज्ञा तों नहीं खानी हैगी, पर मेरे हसबैंड कहिंदे कि कोई गल नहीं अपने कोले आ ही गया, पर मेरे मन दे विच हैगा सी कि नहीं ये गलत चीज है। शॉर्ट करो गल बेटा। हाँ जी पिता जी, फिर ना असि घरे जाके 1/2 घंटा सिमरन किया उसी प्रसाद नाल जी, ते असि अजे बेटी नूं प्रसाद देता पिता जी, हुण उहदा पंप खत्म हो गया जी, मतलब हुण उहनूं है नहीं गया जी पंप लैण दी जरूरत नहीं हैगी तुहाडी मेहर नाल जी। मालिक ने रहमत करी बेटा, तुहाडा दृढ़ यकीन सो मालिक रहमत करदा है, आशीर्वाद बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी दी मेरा मन इंसान एलनाबाद से बोलने की हिम्मत बख्शना जी, जी। पिता जी मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी है जी। जी इसको सेरेब्रल पॉल्सी है, ये पहले बोल नहीं सकता था, इसको जब से नाम दिलवाया ये बोलने तो लग गया है, लेकिन नाम का सिमरन पता नहीं करता है या नहीं, तो इसको नाम सिमरन कैसे करवा सकते हैं? इसको कितनी उम्र थी जब नाम लिया? तब 6 साल का था, अब 9 साल का हो गया है। तो आपको एक बार चेक कर लो किसी याद है कि नहीं, तो फिर करवा सकते हैं मालिक से दुआ करके। पिता दान दान सतगुरु तेरी आसरा। पिता रुपिंदर फ्रॉम लिटल रोज़ेस ब्लॉग। पिता दो सजेशन देने हैं। बोलो। पिता पहला आप जी जो ट्विटर ते पिता ट्वीट कर दियो, कदे कदे पिता रिसेंटली वाली फोटो भी पिक लगा दिया करो जी। पिता जो भी जिस भी मतलब साइट ते पिता आप जी बैठे हो ना वो भी पिक सेंड कर दिया करो जी। देखेंगे बेटा।
ਪਿਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੋਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਨਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਨਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰਸ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੋਟ ਕਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੋ ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਉਸਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪ ਕਰੇ ਅਬ ਹਮੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹਮਨੇ ਕਿਆ ਬੋਲਾ ਥਾ ਤੋ ਉਸਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਨਕੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾਮ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸ਼ਿੰਦਰ ਇਨਸਾ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਮਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ 27 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵਰਸਣਗੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵੱਲ ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰੀ ਗਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 40-40 ਲੱਖ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕੇਸ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਭਿਆਨਕ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕੱਟਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੈਨ ਦੈਨ ਸੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਪ ਜੀ ਕੀ ਬੇਟੀ ਮਮਤਾ ਇਨਸਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲਣੇ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮਨੀਸ਼ ਇਨਸਾ ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੋ ਕਹਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਪੁਨੀਤ ਮਨੀਸ਼ ਇਨਸਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ अच्छा आशीर्वाद बेटा आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो आप पूछ ले भाई क्या बात है कोई भी जाके पूछ ले और मिलने बेटा आगे आ जाएं उस साइड से आगे आ जाएं ऐसे जी पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी मेरे खारावा से हनुमानगढ़ से बोल रही हूँ पिताजी मैं आपको एक छोटा सा चमत्कार बताना चाहती हूँ पिताजी जब मैं प्रेग्नेंट थी 7-8 महीने में डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि जो आपका बच्चा उसे हार्ट की प्रॉब्लम है और आप अपनी डिलीवरी उसी जगह कराना जिस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की या आईसीयू की व्यवस्था हो पिताजी मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ के मैंने अपनी डिलीवरी अपने ही कस्बे में सरकारी हॉस्पिटल में करवाई और आपकी दया में रहमत से आज मेरी लड़की बिल्कुल ठीक ठाक है पिताजी ये आपके सामने 6 दिन की है सुमन करते रहना मालिक साथ है पिताजी यात्रा पिताजी ज्योति दिल्ली से बोल रही हूँ पिताजी मैं हम्बा बॉम्बे जाना था 1 रुपया नहीं था पिताजी आपके स्वरूप के आगे ना मैं इतना रोई कि पिताजी मेरे को आप ले जाओगे बॉम्बे पिताजी इतनी रहमत हुई पिताजी पता नहीं कहाँ से 2,500 रुपए आ गए और मैं बॉम्बे चली गई पिताजी मेरे चेस्ट में प्रॉब्लम थी बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी थैंक यू धन्यवाद सतगुरु तेरे जी बिल्कुल बेटा बिल्कुल ऐसा होता है दृढ़ यकीन हो और परहित परमार्थ के लिए आप जाना चाहते हैं तो पता नहीं मालिक कैसे विधि बना देते हैं और देखिए सफाई महाव्यापन ने किया पता नहीं कोई ऑपरेशन होना था पता नहीं कितनी भयानक बीमारी होती वो जो उसी में कट गई तो ऐसे हजारों लाखों की कटती है बस दृढ़ यकीन होना चाहिए दृढ़ भावना होनी चाहिए आशीर्वाद बेटा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਲਿਆਣ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਤਾਜੀ ਮਲਕੀਤ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਤਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਿਆਣ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਟਿਕਾਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਓ ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈਗਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁਛ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ सिमर करो और आप लोग भाई आपको उस दिन भी कहा था और कर लो इनका अगर फैसला करवा सको आपने बुलाया था किसी को दोनों में से दोनों को बुलाया था तो फिर जी ये कह रहे हैं मैंने बुलाया था और रणधीर अपनी गलती नहीं मान रही थी अगर उसी टाइम थोड़ी सी ईगो छोड़ दो और चाहे गलती है नहीं है माफी ले ली जाए हमें लगता नहीं अगर आप ये कह देंगे माफी दे दो तो उसमें आपके कुछ तगमे गिर जाते हैं आदमी की ईगो अहंकार इतना होता है कि कहने सुनने से परे चाहे दोनों में क्या पता किसकी कमी है ये तो राम जाने लेकिन अगर इतनी से बात चल सकती थी तो इतनी लंबी क्यों करी तो फिर भी कोशिश कर लें अगर सत्संगी है दोनों सेवा करते हैं अगर पॉसिबल है तो पिताजी सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी आप जी की बेटियां लिटिल रोजेस ब्लॉक से पिताजी आप जी से एक बात करनी है और शेयर सुनाना है पिताजी शेयर लगा दी रब से दिल की जोड़ कब आएगी एमएससी मैसेंजर ऑफ गॉड पिताजी प्लीज बता दो जनवरी की डेट बता दो पिताजी पिताजी आनंद सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी आप जी का बेटा डॉक्टर मीना इंसा
आपके आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। पिताजी आप जी की रहमत से बहुत 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 खुश हैं पिताजी। हम हमारा सारा परिवार बहुत खुश हैं पिताजी। आपके चरणों से लग के तो हम सच में बहुत खुशियां पा गए पिताजी। पिताजी आप जी ने अंदर से दर्शन देके आपके आगे एक अरदास करने के लिए कहा था, मेरी बस वो अरदास मान लो, बाकी बीच वाला पार्ट तो आप सारा कुछ निभा दोगे ये मुझे पता है, वो तो आप करोगे। एक अरदास है, आपने कहा था कि बेटा तू हमारे आगे एक अरदास कर, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मलिक जब भी तेरे पास अपने साथ हूँ, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी समर करते रहो बेटा, और अच्छी बात है और नेक बात है कि आपका प्यार आपस में है और आप चाहते हैं कि आप हमेशा एक साथ रहें। तो भागों वाले जीव होते हैं जिनका आपस में ऐसा प्यार हो और मालिक से कई गुना ज्यादा उससे भी प्यार हो, तो ऐसा होना चाहिए। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो एक बात जल्दी से करा दे बेटा। गुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी की बेटी परमजीत इंसा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया तो। पिताजी मेलबर्न की सारी संगत का नारा कबूल करियो पिताजी। सतगुरु तेरा ही आसरा। ते पिताजी जेडी मूवी आ रही है पिताजी प्लीज इंग्लिश विच भी डबिंग करवायो कि ताकि जी उसकी इंग्लिश में डबिंग हो रही है बेटा। इंग्लिश में डबिंग होगी, इंग्लिश में है और हिंदी में तो ऑलरेडी है और तमिल में भी है, तो ये तीन भाषाओं में तो ऑलरेडी है। बाकी जो कोई भी विदेशी या कोई और साथ संगत जैसा कोई चाहती है तो वैसी डबिंग हो सकती है, पर वो चाहें तो वो मिल सकते हैं। जैसा आपको बोला उनकी ड्यूटी है तो उनको मिले आप। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं आपकी बेटी विशु इंसा सिरसा से। पिताजी मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। पापा जी मेरा बर्थ सिरसा में ही हुआ और मैं चाहती थी मेरी शादी भी सिरसा में ही हो। आप जी की रहमत से मेरी शादी सिरसा में ही हुई, बट मेरे हस्बैंड सौरभ इंसा गुड़गांव जॉब करते थे। पापा जी मुझे बहुत टेंशन रहती थी मैं सेवा पे आ पाऊंगी देरे आ पाऊंगी, पर पापा जी आपका ड्रीम में आया, आपने वचन किए, कितना रोना था रो लिया, आगे आपको बहुत खुश रखेंगे पापा जी। सच में अब मुझे नहीं कहना पड़ता कि मुझे डेरे जाना है, सत्संग जाना है, सफाई अभियान अटेंड करने हैं या बाहर सत्संग जाना है। पिताजी वो मेरे से पहले ही रेडी रहते हैं और मुझे लेकर जाते हैं। थैंक यू सो मच पापा जी मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। पिताजी मेरी दोनों फैमिली पे इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखना जी बेटा। आशीर्वाद और समझ करके खाना बनाया करें बेटा ताकि परिवार में और खुशियां आए। आशीर्वाद बेटा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी रेखा इंसाम लोड से बोल रही हूँ। पिताजी मेरे भैया का ना खजाना खो गया है, उन्होंने माफी तो मांग ली है। पिताजी अब दोबारा ले सकते हैं कि नहीं वो? जी बेटा ले सकते हैं, लेकिन आज संभाल के रखा करें। विदेशों से आए हैं परमजीत कौर इंसा, अश्मन इंसा, सार्थक इंसा, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। आशा बेटा स्वागत सबका आने का, मालिक खुशी दे बेटा, प्रसाद ले लेना, दया मेरे मस्से मालिक के नवाजे। आशीर्वाद बैठ जाए। और नरेंद्र इंसान रोम इटली से आए हैं तो उन्होंने तो बात ही कर ली। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। विदेश जाना है सुखविंदर इंसान बहरीन, बचनों पर रहना, स्वर्ण करते रहना, प्रसाद ले जाना, मालिक साथ है बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। सात संगत कैलगरी सरी बीसी एबस फोर्ड कैनेडा। प्यारे विदय बेपरा श्याम स्थान जी महाराज की पावन धर्मा की खुशी में कैलगरी एक्सपोर्ट सरी बीसी की सात संगत कल ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है। बिस्कुट दूध केले व ड्राई फ्रूट है, प्रसाद बना दो। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बन गया। शाबाश, बहुत नेक काम कर रहे हो, मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद आशीर्वाद। शासन में गिनने से पहले फिर फोर्स में का प्रसाद लेने वाले नए सेवादार, एक भाई तीन बहने एक भाई कनाडा से खड़े हुए। यूथ वीरांगनाओं का 10, ब्लॉक जिम्मेवार 4 बहने और महाव्यान के फार्म भरने वाले 5 भाई बहन। तो धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, और धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके और निभाते हैं। सो जोर शोर से सेवा करना, मालिक दिन दुगनी रात चौगनी रहमो करम से नवाजते हैं। जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद। सुधीर इंसान लवजीत इंसान बेंगलोर से वापिस जाना है, प्रसाद ले जाना बेटा, सुमन करते रहना, भजनों पर रहना। आशीर्वाद। ब्लाक टोहाना में एक जोड़ी आंखें दान की, नेत्रदानी तारा देवी, नेत्रदान महादान। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लेना, मालिक रहमत करें। घर जाने वाले सेवादार 4 से 7 दिन वाले बहन भाई, तो जो सेवा करते हैं, सेवा सुन यहां से सेवा करके जाते हैं, मालिक रहमो करम से नवाजता है। सेवा सुन में मन लगे, मालिक से पैर उड़े, घरों में खुश आए। आशीर्वाद। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है जी, तो प्रसाद पहले बोला जा चुका है जी, वो ले सकते हैं।
और सुबह 6 से रात के 10 बजे तक अरसा से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पूज्य पिताजी पावन द्वारा वहां की खुशी में नरेंद्र साई टली से 13,200, कैनेडा से कमलजीत कौर से 11,000, हरप्रकाश कौर से 7,777, इनके अलावा 21 बहन भाई दिन दुखी मध्य के लिए बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। खड़े हो जाए बेटा, सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक रहमो करम से नवाजे और मालिक से प्यार बढ़ता जाए। जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। आज सात संगत निम्नलिखित प्रण करना चाहती है जी, जिस इंसान के गुनाहों को पूज्य पिताजी माफ कर देते हैं तो हम उनके गुनाहों बुराइयों को नहीं गाएंगे और उसको माफी मिलेगी तो हम भी उसे निस्वार्थ प्यार से समझाते हैं, वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे पहले। तो अगर आप सब लोग इस बात से सहमत है तो हाथ खड़ा कर लें। बहुत ही अच्छी बात है, ये भी बढ़िया बात कि आदमी गुनाह कर लेता है, आदमी से होता है और उसको माफी मिल जाती है तो आप उसको गाएं ना और उसे टोंट ना कसें। सो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लें, मालिक अलग से खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, आशीर्वाद। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं, दीन दुखियों के मध्य के लिए बैंक में 5100 रुपए जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। मरणों पर नित्य दान 3, शरीर दान 3, मैं पर लिखित में पन कर रहे हैं, आशीर्वाद। लड़के का नाम तेजेंद्र, इन सब मन धन से दिन दुखियों की मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बड़े, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद। अब वो परिवार जिनके परिवार में किसी ने छोड़ा छोड़ा है, 4 परिवार आए हैं, एक ने नाम नहीं लिया था, छोटी बच्ची थी, अगर माँ ने घर में नाम जपा है तो उस पर जरूर रहमत होती, खड़े हो जाएं। 3 परिवार अस्थियां लेकर आश्रम में देना चाहते हैं तो यहां पे पेड़ लगाए जाते हैं, मरणोपरांत तो सातमा का भला होता है, परिवार का भला। और एक की आंखें दान महादान, 3 परिवार फजूल खर्ची की बजाय दीन दुखियों के मध्य में बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, आशीर्वाद। परिवार दोनों तरफ आए, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। तो बेटा जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के ज्योति हो, निज धाम सचखंड सतलोक नाम ही जरूर जाती है। बाकी जो जख्म देते हैं मर्रम जरूर देगा, प्रसाद ले लें, मालिक आपको ताकत दे, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। तो प्यारी सात संगत जी, जो भी सात संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका बहुत बहुत स्वागत जी। आया नो क्षमित कहते हैं, मोस्ट वेलकम। थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिए, सज रहिए, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय अनुसार जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।